अभी हाल ही में आपकी एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड रिपोर्ट 2022 के नाम से, और इसे जारी किया है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने। और इसमें बताया गया है कि बेरोजगारों की संख्या किस तरह से बढ़ी है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की बात कर लीजिए, हमारे देश में बेरोजगार पहले से ही बड़ी आपके ये बड़े संख्या में बेरोजगारों की संख्या थी, लेकिन जो उसमें कमी रह गई थी उस कमी को पूरा कर दिया आपकी महामारी ने, कोरोना महामारी ने। आप देखिए, जिनके पास काम था उनका काम चला गया, कई लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया, तो आप देखिए बेरोजगारों की संख्या काफ़ी बढ़ चुकी है। और इस तरह की जो रिपोर्टें जारी की जाती हैं और जिस संगठन के द्वारा जारी की जाती हैं, तो उनसे आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहते हैं। आप लोग स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप देखिए वनडे एग्जाम की बात कर लीजिए। चलिए इस रिपोर्ट के बारे में, उस संस्थान के बारे में यानी कि संगठन के बारे में बाद में बात करते हैं। हम लोग पहले अपने भारत की स्थिति देखते हैं मैप में। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है और इसमें आप देखेंगे कि तो एशिया में आपको हमारा प्यारा भारत देखने को मिलेगा। अपने पड़ोसियों की बात करें तो श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये हमारे पड़ोसी हैं। हाल ही में क्या हुआ है कि अभी हाल ही में आपकी अंतर्राष्ट्रीय संगठन श्रम संगठन के द्वारा वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स शीर्षक की एक आपकी रिपोर्ट जारी की गई है। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि रोजगार की स्थिति काफ़ी बुरी बनी हुई है और एक चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि भविष्य में महामारी को लेकर अनिश्चित स्थिति बनी हुई है। आप सभी से देखिए, कहीं भी आप लोगों को मालूम नहीं है कि ये कोरोना महामारी कब खत्म होगी। आप देखिए कि आपकी तीसरी वेव आ चुकी है, पता नहीं चौथी आएगी, पांचवी आएगी, क्या होगा इसका कोई मालूम नहीं है। वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स में वर्ष 2022 और 2023 के लिए व्यापक श्रम बाजार अनुमान भी शामिल है, और यह आकलन बताता है कि दुनिया भर में श्रम बाजार में किस प्रकार सुधार हुआ है और जो महामारी से उबरने के लिए विभिन्न राष्ट्रीय दृष्टिकोणों को दर्शाता है और श्रमिकों तथा आर्थिक क्षेत्रों के विभिन्न समूहों का पर प्रभाव का विश्लेषण भी करता है। अगर हम लोग रोजगार की बात करें यानी कि बेरोजगारी की, तो आप देखेंगे वैश्विक बेरोजगारी वर्ष 2023 तक पूर्व कोविड 19 स्तरों से ऊपर रहने की आशंका है। और मुझे लगता है कि इतना तो हम लोगों को अनुभव होगा और एक तरह से अंदाजा लगा लेते हैं कि कोरोना महामारी के कारण आप देखिए एक तरह से बेरोजगारी बढ़ेगी। 2019 में आप देखेंगे तो 186 मिलियन की तुलना में 2022 में 207 मिलियन होने का अनुमान है। और वैश्विक कार्य घंटों की बात करें तो आप देखेंगे 2022 में उनके पूर्व महामारी स्तर से लगभग 2% कम होगा, जो कि 52 मिलियन पूर्णकालिक नौकरियों के नुकसान के बराबर है। यह घाटा वर्ष 2021 में ILO के पूर्व अनुमान से दुगना होगा। वैश्विक श्रम बल भागीदारी की बात करें तो 2022 में लगभग 40 मिलियन लोग वैश्विक श्रम शक्ति में भाग नहीं लेंगे। और क्षेत्रीय अंतर की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप देखेंगे कि यह प्रभाव विकासशील देशों के लिए विशेष रूप से गंभीर रहा है, जिन्होंने महामारी से पहले भी उच्च स्तर की असमानता और अधिक भिन्न कार्य परिस्थितियों तथा कमजोर सामाजिक सुरक्षा दायित्वों का अनुभव किया था, जिसमें भारत भी आपका शामिल। कई निम्न आय वाले अगर हम लोग देशों की बात करें तो इनके पास आप सभी जानते हैं कि टीकों की यानी कि वैक्सीन की पहुंच कम है और संकट को दूर करने के लिए सरकारी बजट का विस्तार करने की भी सीमित गुंजाइश है, क्योंकि आप देखिए गरीब देश है। स्पष्ट रूप से अन्य प्रभाव की बात करें तो रिपोर्ट में श्रमिकों और देशों के समूहों के बीच होने वाले संकट के प्रभाव में भारी अंतर की चेतावनी दी गई है, और जबकि विकास की स्थिति की परवाह किए बिना यह लगभग हर राज्य के आर्थिक, वित्तीय और सामाजिक बनावट को कमजोर कर रहा है और श्रम बलों की घरेलू आय और सामाजिक तथा राजनीतिक सामंजस्य के लिए संभावित दीर्घकालिक परिणामों के साथ क्षतिपूर्ति हेतु अधिक समय की आवश्यकता है। और अगर हम लोग विभिन्न क्षेत्रों की बात करें तो कुछ क्षेत्र जैसे आप सभी जानते हैं यात्रा और पर्यटन विशेष रूप से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं कोरोना महामारी के कारण। और इस बात को आप भी जानते हैं कि आप लोगों ने देखा है लॉकडाउन लग गया, तो आप एक देश से दूसरे देश हो या आप देखिए अपने क्षेत्र में हो, कम आप लोग यात्रा कर पाए, आप लोग कम घूम पाए। और आप सभी को ये मालूम होना चाहिए हमारी अर्थव्यवस्था में पर्यटन का भी काफ़ी योगदान रहता है, समझ रहे हैं आप लोग। और आपने देखा है कि लॉकडाउन होने के कारण विदेशी ना तो आपने देखा होगा आपके देश में पर्यटन के लिए आ पाए, यात्रा करने के लिए आ पाए, ना ही हमारे देश के लोग कहीं जा पाए और हमारे देश के अंदर भी हम लोगों ने नहीं घूम पाया है। जबकि अन्य क्षेत्रों जैसे सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित क्षेत्र फले फूले,
आप देखिए कि ऑनलाइन आपकी क्लासें हो गई, तो इस क्षेत्र में तकनीक के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी बढ़ावा देखा गया है। महिला और युवा जनसंख्या पर प्रभाव अगर हम लोग बात करें तो श्रम बाजार संकट से महिलाएं पुरुषों की तुलना में अधिक प्रभावित हुई हैं और यह जारी रहने की संभावना है। और शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों में बंद होने से युवाओं खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास इंटरनेट नहीं है दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा। और आप देखिए कई बच्चों की तो शिक्षा भी एक तरह से बंद हो गई, उनके स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, उनके परिवार के पास आप देखिए इतनी सुविधा नहीं है कि वो एक तरह से हर बच्चे के लिए मोबाइल उपलब्ध करा पाए। और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश की क्या स्थिति है, जैसे तैसे गुजर बसारा चलता है। और अपेक्षित रिकवरी की बात करें तो व्यापक श्रम बाजार में सुधार के बिना इस महामारी से कोई वास्तविक रिकवरी नहीं हो सकती है। और सतत रिकवरी संभव है, लेकिन यह अच्छे काम के सिद्धांतों पर आधारित होना चाहिए, जिसमें स्वास्थ्य और सुरक्षा, समानता, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक संवाद शामिल है। और नए श्रम बाजार का पूर्वानुमान भारत जैसे देश के लिए नीति नियोजन हेतु महत्वपूर्ण हो सकता है, और जहां अधिकांश काम अनौपचारिक है ताकि आगे रोजगार संबंधी नुकसान और काम के घंटों में कटौती को रोका जा सके। अब देखिए यहां एक संगठन के बारे में भी बात हुई है, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में। और वैसे आपको बता दूं कि इस तरह के संगठनों से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते रहे, अगर आप लोगों ने पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देखे होंगे तो मुझे लगता है कि आपको मालूम भी होगा। तो इस संगठन को वर्ष 1919 में वर्साय की संधि के हिस्से के रूप में बनाया गया था, जो कि इस विश्वास के साथ गठित किया गया था कि सार्वभौमिक और स्थायी शांति तभी प्राप्त की जा सकती है जब यह सामाजिक न्याय पर आधारित हो। तो याद रखिए ILO यानी कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी। 1946 में यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी बना, और यह एक त्रिपक्षीय संगठन है जो अपने कार्यकारी निकायों में सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों के प्रतिनिधियों को एक साथ लाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, भारत ILO का संस्थापक सदस्य है और इसमें आप देखेंगे 187 देश आपको सदस्य देखने को मिलेंगे। 2020 में भारत ने ILO के शासी निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की थी, और इसके मुख्यालय की बात करें तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में। एक बार आप लोग मैप में देख लीजिए, देखिए आप लोग ये हमारा प्यारा भारत हो गया, और यहां से यूरोप में जाएंगे आप लोग तो आपको देखने को मिलेगा स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड में आप देखेंगे जेनेवा, यहां आपको देखने को मिलेगा जेनेवा, ये है आपका जेनेवा, यही इसका मुख्यालय देखने को मिलेगा। और इसे कुछ पुरस्कार भी दिए गए हैं, तो वर्ष 1969 में ILO को राष्ट्रों के बीच भाईचारे और शांति के संदेश को बढ़ावा देने, श्रमिकों के लिए बेहतर कार्य एवं न्याय प्रणाली स्थापित करने और अन्य विकासशील देशों को तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हमारे देश के एक व्यक्ति जिन्हें आपने देखा होगा कि अभी कुछ ही सालों पहले शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था, उनका नाम क्या है और उन्हें किन के साथ जोड़कर एक तरह से पुरस्कार दिया गया था, उस समय भी वो काफ़ी चर्चा में भी रहे हुए थे, तो आप लोग नीचे बताइएगा। यही कहानी है आपके संगठन की और इस रिपोर्ट की, और इन दोनों के बारे में आप लोग एक सामान्य जानकारी अपने पास रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लोग आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे।